पेज 7 पर आ जाइए ऑफ दिस अपना ये जिनका ट्रांसक्रिप्ट है आपने लगाया है आपने? जी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है जी ट्रांसक्रिप्ट जी ये उर्दू वाला ट्रांसक्रिप्ट रब्बानी साहब ने भी लगाया है, सब ने लगाया, 2-3 लोगों ने। मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं रेलिवेंट पोर्शन पढ़ूंगा सिर्फ जी। जस्ट वेट पहले ये मैं बता दूं, ये जो शख्स है इफ्तिखार, He is widely known as इफ्तिखार फितना। Let's not go on to that. Let's talk about Joe. All right. The position is that I picked him up in the Field Party way back in 68 or 69. Which page? The page has 7. अब खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो मोटिव तो आप पे हो गया इफ्तिखार साहब। क्या जी? खुदा ना खास्ता इफ्तिखार साहब को कुछ हो गया। किसको हो गया? खुदा ना खास्ता इफ्तिखार, अगर आपकी लॉजिक फॉलो करें, हाँ। खुदा ना खास्ता इफ्तिखार साहब को कुछ हो गया, हाँ। तो कसूरवार तो फिर आप ठहरे। मैं कैसे ठहरा जी? आपने जो बात कही। इफ्तिखार अहमद सर, ये जो भुट्टो का हिस्टोरिकल केस है, इसमें जनरल असरअंदाज हुए नसीम हसन शाह। नहीं, मेरा नहीं ख्याल असरअंदाज, हमें तो किसी ने नहीं कहा। अब अपना उन्होंने क्लियर कर दिया, हमें तो प्लीज पढ़ लें पहले। हमें तो किसी ने कहा इस तरह के फैसला करो, इस तरह फैसला ना करो। हो सकता है कि चीफ जस्टिस से बात करते हों और वो थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हमसे कहते हों कि इस तरह कर लिया जाए तो बेहतर है। लेकिन मैं 26 साल सुपीरियर कोर्ट्स का जज रहा हूं, मुझे एक दफ़ा भी ये याद नहीं कि किसी ने हमें कहा हो कि फैसला इस तरह से करो। और ये वेरी क्लियर कि मैं 26 साल से जज रहा हूं सुपीरियर कोर्ट का, मुझे किसी ने कहा। थोड़ा आगे थोड़ा और पढ़ लें। ये जज जो हैं वो खुद ही डर जाते हैं, ये अब जनरल बात कर रहे हैं, खुद ही डर जाते हैं कि हमें पता नहीं ज़मीन ली हुई है, हमारा बेटा मुलाजिम है, हमारा यानी अब कंफर्मेशन का मसला आ रहा है, तो हमें फौजियों को नाराज नहीं करना चाहिए। दिस इज जनरल स्टेटमेंट इज मेकिंग, बट एज फार एज ही हिमसेल्फ इज कंसर्न, वो कह रहा है कि मैंने 26 साल जो है आई वॉज ऑन द सीट ऑफ हायर जुडिशरी एंड नेवर समबडी टॉक टू मी। सो हाउ कैन वन वी रिलाई ऑन दिस स्टेटमेंट? फिर वो ये तो सपोर्ट करेंगे ना इस बात। मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगा एक। अपना सर प्लॉट तो आपने भी लिया, ग़ौस अली शाह जब वजीर आला थे जी। विच पेज? इसी 7 पर, ये 7 ही पर, इससे आगे जहाँ से मैंने खत्म किया उससे आगे। सर प्लॉट तो आपने भी लिया ग़ौस अली शाह साहब जब वजीर आला थे सिंध के, आप उनको एक दरख्वास्त लिखी कि आपको कराची में आना जाना रहता है और कराची में आपके पास रहाइश नहीं है, तो इस दरख्वास्त पर ग़ौस अली शाह साहब ने आपको एक प्लॉट दिया जो बाद में आपने फरोख्त कर दिया। तो प्लॉट आपने भी सर लिया नसीम हसन शाह। ग़ौस अली शाह ने तो नहीं दिया मेरे ख्याल में, वो यानी उस ज़माने में तमाम जज साहिबान या दीगर हजरात को भी गवर्नमेंट से प्लॉट गवर्नमेंट अप्लाई करते थे तो उन्हें प्लॉट मिल जाता था, क्योंकि कराची में हमारा आना जाना रहता था। मैं चाहता था कि वहाँ एक छोटा सा घर बना लें ताकि यहाँ भी हमारी रहाइश का बंदोबस्त हो जाए, तो इस सिलसिले में दरख्वास्त जूरी और प्लॉट मिला जी। ये है। और आगे एक जगह ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक जगह जी, ये पेज 8 है जी। आपसे अगर पूछा जाए कि क्या ये सर मिडल में है अपना पेज 8 पर, इफ्तिखार, आपसे अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसी कोई मिसाल है कि महज मशवरे की बुनियाद पर किसी को फांसी दी गई? जस्टिस नसीम हसन शाह: जी हाँ, मेरे ख्याल में ये मशवरा तो नहीं था, इसमें तो वो था कि उनका ऑर्डर था, यानी सबॉर्डिनेट्स को, कि इसको रजा कसूरी को ख़त्म कर दिया जाए। लिहाजा मशवरे की बात और होती है, ऑर्डर की बात और होती है। यहाँ वो जो कॉन्स्पिरेसी वगैरह उसका भी वो कहता है कि नो, वो तो ऑर्डर था, इट वाज नॉट मशवरा नहीं था, वो ऑर्डर था। जी साहब, ये CMA नंबर 59 ऑफ 2024 एक फाइल जी, उस CMA नंबर 59 ऑफ 2024 उसमें जियो की तरफ से ये फाइल करा गया है पूरा ट्रांसक्रिप्ट। इसमें क्लिप नंबर 4 जो है उसको जरा पढ़ें आप, पेज नंबर 2 से निकाल दें सर। क्लिप नंबर 4 CMA नंबर 59 ऑफ 2024। ये जियो के राना जवाहर, डायरेक्टर न्यूज, जियो न्यूज ने फाइल करा है। इसमें क्लिप नंबर वो इफ्तिखार साहब का इंटरव्यू है, यही जो आप पढ़ रहे हैं वही है। ये उससे डिफरेंट है थोड़ा, ये इसमें आप लास्ट लाइन से पढ़ें, क्लिप नंबर 4 जो है उसकी लास्ट लाइन पढ़ें, पेज नंबर, इसमें पेजिंग नहीं हुई भी है, क्लिप नंबर 4 है इसमें। मैं तो पता नहीं जियो गई है जी। ये आप पढ़ लें, आप पेज 10 पे आ जाए, पेज 10 पे आ जाओ, सुन लो, पेज 10 पे इसका तो है ही। आप पेज 10 पे कम टू द लास्ट, ये नहीं है आखिरी सवाल। जी, आखिरी सवाल से मौलवी मुश्ताक साहब की मैं बात कर रहा हूँ। मौलवी मुश्ताक साहब को जुल्फकार भुट्टो ने ये कहा, इसके बाद से पढ़े जरा, नेक्स्ट पेज भी इम्पोर्टेंट है। ये 10 कौन सा है जी? अपना पेज ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ जस्टिस डॉक्टर नसीम हसन शाह, वही नंबर 10। ये तो है इफ्तिखार, इनके ख्याल की बात नहीं कर रहा मैं सर, आपसे राय ले रहा हूँ। ये सवाल वाल जी हाँ जी हाँ, वो मेरे ख्याल में मौलवी साहब की ज्यादती थी, क्योंकि वो बहुत ही यानी जबरदस्त आदमी थे और भुट्टो के दुश्मन थे, और उनको चाहिए था कि इस केस में ना बैठते तो बेहतर था। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप, ये पेज 8 है जी हमारी, पेज 8 का लास्ट लाइन है, पेज 8 की लास्ट लाइन से पढ़ना शुरू कर लें, पेज 8 की जी लास्ट लाइन जो ये भी पढ़ा जाए। इसने बोल भी किया मेहरबानी साहब। मौलवी मुश्ताक साहब की मैं बात कर रहा हूँ। मौलवी साहब को जुल्फकारी भुट्टो ने ये कहा, नसीम हसन शाह: जी हाँ, मेरे ख्याल में मौलवी साहब की ज्यादती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे और भुट्टो के दुश्मन थे, इनको चाहिए था कि इस पर के तो इसके नेक्स्ट पेज पे आ जाए, इसके नेक्स्ट पेज पे आ जाए जी जी। पढ़िए अब सवाल सर, आपने एक जगह अपनी राय में का इजहार किया है, आपने एक जगह अपनी राय का इजहार किया। आपने कहा कि भुट्टो केस की समाअत के दौरान मेरी यानी आपकी ज़ाती राय थी कि भुट्टो की सज़ा में कमी हो सकती है। नसीम हसन शाह: जी इफ्तिखार, इस सिलसिले में मैं इनका केस बड़ा मजबूत था। नसीम हसन शाह: हाँ बिल्कुल, मैंने भुट्टो के वकील या से पूछा क्या वो मौत की सज़ा में कमी के बारे में दलाइल देना चाहते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया नसीम हसन शाह: ठीक थी, और भी पढ़ूं सर? पढ़े अच्छा। इफ्तिखार: तो साहब, जज साहब, जब आप कन्विंस थे तो जब आप फैसला दे रहे थे तो डिसेंटिंग नोट नहीं कि आप उनको लिखना चाहिए था कि इस हद तक सजा दी जाए। नसीम हसन शाह, जी हाँ हो सकता था, मगर जब उनका वकील है वो कहता है कि मुझे सजा की कोई परवाह नहीं, मुझे एक्विटल चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि भुट्टो यानी जो वो आगे पता नहीं गायब हो गया जी, भुट्टो तो इफ्तिखार सर आप भी डिसेंटिंग तो दे सकते थे, नसीम दे तो सकता था, मगर यानी मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी सी हमारी भी कमज़ोरी है और कुछ इसकी या की भी थी यानी जिद इसमें इसने हमें एक किस्म का नाराज़ कर दिया। इफ्तिखार अहमद, अच्छा या बख्तार ने आपको नाराज़ कर दिया, लेकिन सर आप तो खुद तस्लीम करते हैं कि भुट्टो को ये मिलना चाहिए था, बेनिफिट डाउट मिलना चाहिए था। नसीम अच्छा, जी हाँ, तो अब इसी ने चलता जा रहा जी, दिस ये जो दो उसका तो मैंने आपको जवाब दे दिया है कि लेट्स से परज्यूम दैट ही वाज बायस्ड, तो ही वाज वन अमंग द फाइव जजेस, वन अमंग द फाइव, एंड ही वाज नॉट द बॉस। ठीक है, वो समझ गया, एक बार नॉट द बॉस, ही हैड वन वोट। एक सवाल बताइए, ये जो दो या तीन लोग जिन्होंने एक्चुअली ट्रिगर पुल की, दे वर पोस्टेड एट लाहौर और दे वेंट टू लाहौर। इनका जी जो है जहाँ जाए वकूआ है, यानी जो एफएसएफ के जो मुलाज़मीन थे इनका वहाँ ही पोस्टेड थे या गए वहाँ? जाए वकूआ जो है उससे कोई 200 गज पर एफएसएफ ने कर लिया जहाँ ये देवर लिविंग थी। यू नो ऑन द ट्रायल कुछ आया, वर दे ऑलरेडी पोस्टेड देयर और वर दे सेंट फ्रॉम इस्लामाबाद या पिंडी टू गो देयर एंड डू दिस एक्ट? Have you understood what I'm asking? हाँ मैं समझ गया जी। ये असल में मेरे पास इस्लामाबाद में भी हुआ पहले, उसका नहीं रिकॉर्ड में कोई चीज़ आई है कि जो ये जो दो या तीन सूफी और बाकी अरशद और इफ्तिखार ये वहीं तैनात थे लाहौर में, उनकी पोस्टिंग थी या उनको भेजा गया यहाँ से जाओ ये करके आओ? ये कुछ रिकॉर्ड पे आई है? ये रिकॉर्ड पर इतना है कि देवर एक मान एफएसएफ ने एक रेस्ट हाउस लिया हुआ था जाए वकूआ से करीब ही, तो वहाँ देवर लॉजिंग दे, ये बात नहीं आई। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है कि आप जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो ये है कि ये प्लानिंग और कंस्पिरेसी थी, करेक्ट? जा नाउ द टारगेट इज यू, करेक्ट? जा दिस इज द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, प्रिसाइसली इज द केस।